नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करते हैं आज के अहम खबरों के साथ। फर्रुखाबाद स्वाट टीम और थाना कंपिल पुलिस ने 21 असलहों सहित जनपद मैनपुरी के 3 तस्करों को शस्त्र बनाते गिरफ्तार किया है, जिनको पुलिस लाइन में मीडिया के सामने पेश किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि इन तस्करों के पास 21 असला, कारतूस और खोखा तथा शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं, जिनमें 12 बोर की बंदूक, 315 बोर की 3 राइफलें, 12 बोर की 3 अधियां, 12 बोर का 1 तमंचा, 315 बोर के 13 तमंचे शामिल हैं। वहीं गिरफ्तारी के दौरान एक बदमाश भाग जाने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। वहीं आरोपियों का कहना है कि त्योहार और प्रधानी चुनाव के नज़दीक आने पर असलहों की ज़्यादा मांग बढ़ जाती है। वे लोग शस्त्र बनाकर काफ़ी दूर दूर तक सप्लाई करते हैं। तमंचे को 3 से 4 हज़ार और बंदूकों को 5 से 10 हज़ार रुपये तक में बेचते हैं। जनपद में कई घटनाएं हुई जिनमें नर्मदा भी संदिग्ध किया गया। एक बात का अनुमान था कि स्थान स्थान पर कहीं ना कहीं से अवैध असलहों की उपलब्धता है जनपद में। इसको दृष्टि में रखते हुए मुहल्ले तंग सक्रिय किया गया था। इसमें थाना कंपिल और स्वाट की पूरी टीम लगी थी। इन लोगों ने अपने तंत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त की और आज कंपिल थाना क्षेत्र में सिरसा गांव के पास एक भूरे शर्मा की दुकान है, उससे थोड़ी दूर पर पास ही में इन्होंने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जो कि अवैध तरीके से वहां शस्त्र बनाने की फैक्ट्री चलाते थे। संभल में वाहनों के नंबर प्लेट बनाने वाले युवक को क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मियों ने नंबर बनाकर ना देने पर ऑफिस ले गए और जिसके बाद मारपीट कर 3 घंटे बैठाने के बाद वापस भेज दिया, जिससे घबराकर युवक ने राज्य मंत्री गुलाबो देवी के यहां पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि युवक ने बताया कि चंदौसी रोड पर प्लेट नंबर बनाने की मेरी दुकान पर एक क्राइम ब्रांच का सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी आया, जो कि बिना गाड़ी के कागज दिखाए 1 से 10 तक गिनती के नंबर बनाकर मांग रहा था। जब गाड़ी के कागज मांगे तो उस पर भड़क गए और अभद्रता करते हुए क्राइम ब्रांच ऑफिस ले गए। पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि मेरे साथ जमकर मारपीट की गई, जहां करीब 3 घंटे बैठाने के बाद छोड़ दिया गया। पुलिसकर्मियों के डर के कारण युवक राज्य मंत्री के सामने फूट फूट कर रोने लगा, जिसकी जानकारी राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद को दे दी है। राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। हमारे पूरी चेयरमैन राजू जी खड़े हैं और भी बिलारी के वहाँ के बैजे के काफ़ी लोग खड़े हैं। उन्होंने ये बताया है, ये अरविंद गिहार नाम है इसका, ये अनुसूचित जाति कंजर हैं, ये नेम प्लेट बनाने का काम करते हैं। ये बता रहे थे कि कोई व्यक्ति सिविल कपड़ों में आया और उन्होंने इनसे कहा था कि हमें खुले हुए नंबर दे दो, अंकों में भी दे दो और शब्दों में भी दे दो। उन्होंने कहा जब तक गाड़ी की हम आरसी नहीं देख लेते हैं तब तक हम ऐसे नेम प्लेट बनाते नहीं हैं, खुले नंबर देने का तो प्रश्न नहीं उठता। इस पर वो लोग उत्तेजित हो गए, उन्होंने किसी व्यक्ति से बात की और इनको ले गए ग्राम थाने में, ग्राम ऑफिस में ले गए, क्यों ब्रांच में ले गए, ग्राम ब्रांच में ले गए और वहाँ इनके साथ में बहुत मारपीट की। 2-3 घंटे इनको बंद रखा, जब बाद में ये बहुत बिगड़ाया तो इसको भगा दिया। हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या के मामले में एटीएस ने बरेली के शाहबाद में छापा मारकर दरगाह आला हजरत पर नात पढ़ने वाले सैयद कैफी को उठा लिया और फिर रात में उसे लेकर लखनऊ चली गई। सूत्रों के मुताबिक बरेली में सैयद कैफी ने कमलेश तिवारी के हत्यारों को खाना खिलाने के साथ घायल हुए एक हत्यारे की पड़ोस के एक अस्पताल में ड्रेसिंग करवाई थी। दरगाह के नात ख्वाह को उठाने के बाद दरगाह के जिम्मेदार सख्ते में आ गए हैं। शाहबाद इलाके में रहने वाले सैयद कैफी के बारे में इलाके के लोगों का कहना है कि सैयद कैफी बहुत ही शरीफ इंसान है, उनका कभी किसी से लड़ाई झगड़ा तक नहीं हुआ। उनको गिरफ्तार किए जाने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। रात ये कि फंक्शन में आए थे, दरगाह पे फंक्शन था तो वहाँ से निबट के आए, फार्म लॉन में से कुछ पुलिस वाले आए बहुत सारे, तो इनके घर पर दरवाज़ा खटखटाया, ये लेटे हुए थे घर पर फंक्शन में से आए थे तो सारे लोग घर में आ गए। वागी इनसे बोले कि आप चलिए, तो उनकी माँ ने पूछा कहाँ लेके जा रहे हैं, तो बोले कुछ नहीं हम कहीं नहीं लेके जा रहे हैं और कुछ उर्स के चक्कर में इनसे बातचीत करनी है हजरत का, खोले आला हजरत का, तो ये कह के इन्होंने कुर्ता पहना, ये अपने लेटे हुए थे, इन्हें लेके चले गए। 1:30 बजे पुलिस आई, 60-70 पुलिस वाले थे, उन्होंने आके दरवाज़ा खटखटाया, इन लोगों ने दरवाज़ा खोला, सैयद कैफी अली सो रहे थे, उन्हें पकड़ा और ले गए। उत्तर प्रदेश सरकार के कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए हर जनपद में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
इसी क्रम में दो दिवसीय दौरे पर आए पुलिस निरीक्षक अपराध और नोडल अधिकारी सिद्धार्थनगर अशोक कुमार सिंह ने कई थानों का निरीक्षण किया। वहीं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शैलेश कुमार सिंह ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। फिर कोतवाली बांसी का औचक निरीक्षक किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने संतोष जाहिर किया और उसके बाद अशोक कुमार सिंह बांसी कोतवाली पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बैरावास, आर्ची हॉस्टल, पुलिसकर्मियों के आवास, इंस्पेक्टर आवास, भोजनालय, शस्त्रागार, अभिलेखागार, कई क्राइम रजिस्टरों और आगंतुक रजिस्टरों का भी निरीक्षण किया। थाना कोतवाली परिसर की साफ सफाई देख उन्होंने संतोष जाहिर किया और कहा कि इसी तरह साफ सफाई पूरे कोतवाली परिसर में बनाए रखें। अशोक कुमार सिंह ने कोतवाली के पुलिसकर्मियों से भी बात की और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। इस निरीक्षण के समय पुलिस अधीक्षक विजय ढुल, अपर पुलिस अधीक्षक माया राम वर्मा सहित कोतवाली के स्टाफ मौजूद रहे। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी इस समय जोरों पर है। दीपोत्सव में दीप जलाने के लिए नगर निगम ने घर घर दीपक पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया है। नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने सीताकुंड दलित बस्ती में जाकर घरों में दिया, तेल और बाती बांटी। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय का कहना है कि नगर निगम 8000 घरों में दीपोत्सव के लिए दीपक बांटने का काम कर रहा है। घर घर दिया पहुंचे इसके लिए नगर निगम के पार्षद और नगर निगम के जरिए बनाए गए वॉलंटियर बड़े पैमाने पर कार्य कर रहे हैं। 26 अक्टूबर को अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है जिसमें 5.5 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तो ये ऋषिकेश उपाध्याय आए हैं, मतलब दिए हैं जलाने के लिए। दीपोत्सव में हम लोग इसको जलाएंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार खुद घर घर दीपक दे रही है। हाँ, ये पहली बार हो रहा है। कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या के 8000 घरों तक पहुंचने की अपनी योजना है। सर्वप्रथम उस क्रम में हम लोग जो दलित बस्ती है उन बस्तियों में कल से ही शुभारंभ किए थे। कल नया घाट पे हुआ है, आज जयसिंहपुर में हम इन लोगों के बीच में हैं। इनको दिया वितरित किया जा रहा है। जो पुनः विश्व का कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है उसमें अयोध्या के सभी नर नारी, सभी पुरवासी जितने हैं उसमें सहभागी बने। इसी क्रम में हम लोग आज यहाँ जयसिंहपुर में इन भाइयों के बीच में आए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीसी स्टार न्यूज़। नमस्कार।